एसटीए टोकन वाले वीडियो पे जितने लोग गाली दे रहे हैं ना, जितने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरे कंपनी ने कितना पैसा दिया था इसकी बुराई करने के लिए, या जो लोग कर रहे हैं कि ये कितना पढ़ा लिखा बंदा है, इसको तो सिर्फ कुछ आता ही नहीं है, बस आ गए यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए, या जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यार जो है एसटीए टोकन और इसके नीचे कमेंट भर भर के जय एसटीए करते रह रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे पॉलिटिकल रैली हो रहा है, किसी नेता के बारे में जय जयकार लगाना है। और जितने भी लोग एसटीए टोकन में जुड़े हुए ना, मैं उनको कह रहा हूँ कुछ मिनट का ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे दोस्त आप आए हैं नए नए एसटीए टोकन में नहीं जुड़े हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं, तो कुछ सच्चाई आप जान के चले जाइए, इसके बाद जुड़ना नहीं आपका पैसा आप जानिए, लेकिन सच्चाई तो मैं बता सकता हूँ, सच्चाई को झुठलाया तो नहीं जा सकता है ना। चलिए ठीक है, समझते हैं। पहली बात यह है दोस्तों कि मुझे किसी कंपनी ने नहीं दिया, मुझे लगा लोगों में जो है ये चीज आ रहा था, होर लग रहा था, मेरे आसपास के लोग जो है इस तरह के जो है स्कीम में ज्वाइन कर रहे थे, वो बता रहे थे, दावा ठोक रहे थे कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, ये है वो है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। तो पहला तो जवाब ये होगा किसी कंपनी ने इसका बुराई करने के लिए नहीं दिया था, और मैं जो वीडियो बनाया ना उसमें मैंने सच्चाई बताया, एक एक पॉइंट को कवर किया है, और लॉजिकली मैंने बोला है कि अगर जो मैं बात बोला हूँ उसमें कोई गलत है तो बिंदास आप कमेंट करिए, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि ये तो जो है पैसा लेकर के इसके बारे में बुराई कर रहा है, या इसको कुछ समझ ही नहीं है, या जो है यहाँ पे जय जयकार लगाने के लिए कमेंट में आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर मेरे क्वालिफिकेशन पे आपको नहीं पता है, तो बहुत अच्छे से पुराने वीडियो जो लोग देख रहे हैं शुरू से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, क्या एजुकेशन लेवल है, लेकिन आप जरा बताइए ना, आपका क्या कंप्यूटर साइंस से कोई नाता है, नाता है, ब्लॉकचेन के बारे में कितना समझ आपको आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में या टोकन के बारे में कितना समझ में आ रहा है, कि कुछ प्रोग्राम लिखे हैं आज तक, कोई कोड लिखे हैं, कुछ डेवलपमेंट में है, नहीं है, आप टेक्नोलॉजी से बिलोंग भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी जो है दवा ठोक रहे हैं कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में पूरी तरह से समझ है, आपको टोकन के बारे में पूरी तरह से समझ है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ है, आपको जो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, है ना, क्योंकि आपको जो है जो बंदा जो इंट्रोड्यूस करवाया था ना वो अपने फायदे के लिए आपको बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एसटीए टोकन है क्या, एसटीए क्या है, इसके वेबसाइट पे आप जाते हैं कभी अबाउट अस के बारे में पढ़े हैं, मतलब कि उस पेज पे जाने हैं कि ये क्या कह रहा है, क्या करने वाला है, ये फ्यूचर में कह रहा है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, करेंट में क्या है, ठीक है मैं मान लिया आज इसका प्राइस ये है, क्रिप्टो करेंसी और टोकन में डिफरेंस होता है ये भी पहले समझ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में NFT भी लॉन्च होगा, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है मेरे भाई, एसटीए टोकन की बात मैं कहता हूँ, ब्लॉकचेन बेस्ड है, ये ट्रेड भी कुछ जगह हो रहा है, आप खरीद भी बिक्री कर रहे हैं, हो सकता है, इसके अलावा क्या है जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन जरा मुझे बताइए ये जो दावा ठोका जा रहा है कि डिविडेंड दिया जा रहा है, डिविडेंड कहाँ पे दिया जा रहा है, डिविडेंड क्यों दिया जाता है, कभी ये सुने हैं, इसके बाद मनी सर्कुलेशन के बारे में आप जानते हैं, जरा मनी सर्कुलेशन के बारे में समझ लीजिए, इसके बाद उसका क्या कानून है अपने देश में समझ लीजिए, और इसके बाद जो कंपनी जो है जिस भी देश में ऑपरेट करती है ना उसको वहां से मतलब कि लोकल बॉडी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फेसबुक ट्विटर फलाना ढिकाना जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, और जो आपको कंपनी कह रहे हैं कि ये टोकन मैं बेचूंगा वो है, या जहां भी आप पेमेंट कर रहे हैं ना वो भी जिस भी कंट्री में ऑपरेट करता है तो उसको लीगल जो है परमिशन लेना पड़ता है, आपको अच्छे से मालूम होगा। तो ऐसे में मुझे बताइए कि ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है, अगर है तो कब रजिस्टर्ड हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नहीं आप बता पाइएगा। चलिए इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, NFT की बात कर रहे हैं ना, वजीर एक्स का नाम जानते हैं, फेमस इंडियन कंपनी था ना, NFT को जो है शटडाउन कर दिया या नहीं कर दिया, क्यों कर दिया सो बताइए, आप न्यूज खोल के देखिए कि एक समय जो है NFT एक जो है मतलब कि NFT पे कितना ज्यादा बीडिंग हुआ था, और इसके बाद आज क्या हाल हो गया है। चलिए दूसरा बात करते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी का बहुत नाम लेते हैं ना, एक बात बताइए, बिटकॉइन सबसे पॉपुलर, ये जो जितने भी जो है कुकुरमुत्ता की तरह निकल के आया है ना, क्रिप्टो टोकन फलाना ढिकाना जो भी है ना, ये सब बिटकॉइन और इथेरियम का देख के आया। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि बिटकॉइन बहुत खराब है या इथेरियम खराब है या टेक्नोलॉजी खराब है, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा है फ्यूचर ब्लॉकचेन बेस्ड होना चाहिए, बहुत सारे चीज डेवलप होंगे और सही बात है, लेकिन मुझे बताइए ना, आप बिटकॉइन का एग्जांपल आपको दिया जाता है ना, बिटकॉइन के बारे में न्यूज दिखाया जाता है ना, और इसके बाद आपको सेल किया जाता है, जरा ये बताइए कितने कंपनी आपके पास आया जो कहता है कि मैं आपको बिटकॉइन देना चाहता हूँ बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, कितने वीडियो हैं, कितने आर्टिकल हैं जो बिटकॉइन के अगेंस्ट में होंगे, होंगे या नहीं होंगे, उस पर कभी बुरा लगा नहीं लगा, एसटीएफ पे ही क्यों बुरा लगा,
क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं, और प्रॉफिट देखने के लिए आपको पहले समझाया गया है, और जो समझाया गया ना वो मनी सर्कुलेशन के अनुसार समझाया। देखिए सीधी सी बात है, आप अपना लॉजिक लगाइए कि कोई कंपनी पैसा दे रही है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, और जो कॉन्सेप्ट के थ्रू पैसा दे रही है वो लीगल तरीका है या इलीगल तरीका है। मनी सर्कुलेशन की मैं बात करता हूँ, मनी सर्कुलेशन में आपके पास पैसा आया, आप मान लीजिए आपका पैसा है और आपने लगा दिया कहीं पे भी, मैं एसटीए की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी मनी सर्कुलेशन होगा, और आपको ये बताया जाए कि अगले एक साल के अंदर अंदर वो पैसा रिकवर हो गया, और आप ही के पैसे से जो पहले जुड़ा हुआ है उसको वहाँ पे पैसा दिया जाता है, मतलब लोगों का पैसा ही लार्ज लेवल पे बहुत सारे लोग जुड़ करके एक दूसरे के पैसा से पेमेंट हो रहा है और एक टाइम तक ही होता है। एक टाइम के बाद जो है ये स्कैम पता चल ही जाता है कि अरे यार बहुत सारे लोग लार्ज लेवल पे, बहुत सारे मास लेवल पे जो है बहुत मतलब करोड़ों करोड़ों का जो है स्कैम हो गया। और ऐसा जब होगा ना तो फिर कहेगा यार तब तक तो समय बीत गया होगा, जो लोग जो है स्ट्रैप में फंसेंगे तब तो वो फंस गए, वो गाली देंगे, फिर नया नाम बदल के कुछ ना कुछ करके यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और इसके बाद मैं जानता हूँ कि आप समझ जाएंगे क्या बात है। एक एग्जाम्पल पड़ोसी देश का लेते हैं, नेपाल के करेंसी का। आपको अच्छे से मालूम है ना कि नेपाल का करेंसी जो है, अगर आपके पास है नेपाल में जाएंगे वहां पे सामान खरीद लेंगे, इंडियन करेंसी में है तो वहां पे खरीद सकते हैं, मतलब दोनों देश में एक्सेप्टेबल है, तो वहां के लोग भी इंडियन करेंसी रखेंगे और यहां के लोग भी जो है नेपाली करेंसी रखेंगे। लेकिन नेपाली करेंसी एक ऐसे देश में जा करके जहां पे वो चलता ही नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो देश के लोग जो है एकदम करेंसी जमा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्यों? कि आने वाले समय में नेपाली करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा या उसका इस्तेमाल होगा, इस होप में, ये आशा में जो है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। बताइए उसके साथ क्या होगा, वो करेंसी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेपाल में आकर के ही करेगा। जो देश एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस करेंसी को, वहां के लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। और वहां के लोग अगर करेंसी पे जो है एक्सचेंज कर करके खूब पैसा लगा रहे हैं और ये सोच करके कि भविष्य में ऐसा होगा, तो ये बेवकूफी होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो बस यही चीज यहाँ पे भी है, ये भी जो लोग कह रहे हैं कि करेंसी है, क्रिप्टो है, एटसेट्रा है, तो भाई मेरे ये जो भी मान लीजिए एसटीए टोकन की मैं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन ही, इथेरियम ही ले लीजिए, तो ये सब जो है ब्लॉकचेन पे जब कोई एकदम रियल लाइफ का कोई एप्लीकेशन जब इस्तेमाल होगा तो वहां पे इसकी जरूरत होगी। जरा मुझे बताइए ना, एसटीए टोकन का कोई ऐसा एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं, कुछ आप बताइएगा जरा कमेंट में। इसके बाद एनएफटी के बारे में बोला जाएगा, चलिए एनएफटी आएगा, वॉलेट आएगा, आप इस्तेमाल करेंगे वॉलेट का क्या करेंगे? अगर वॉलेट पर्स है, चलिए ठीक है, आपके पास कोई पर्स दे दे, उस पर्स का इस्तेमाल, उसमें जो है कोई करेंसी दे दे, वो करेंसी आप जहां पे हैं वहां पे उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, तो वो करेंसी रख के आप क्या करिएगा? और करेंसी का वैल्यू तब ना होगा जब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो जाएगा, सभी लोग को इसका इस्तेमाल करना है, तब उसका वैल्यू बढ़ेगा। और पता चले कि सिर्फ लोकल एरिया में इस्तेमाल कुछ एरिया में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और उसमें भी वहां लोग जा ही नहीं रहे हैं, तो उस करेंसी को रख के क्या फायदा यार? तो वैसे ही जो है क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, टोकन में भी होता है, उसका अगर कोई एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ ऐसा एप्लीकेशन बन गया जो दुनिया के लोग उसका यूजर बेस बढ़ रहा है, मतलब उस एप्लीकेशन का बढ़ रहा है, और उस एप्लीकेशन पे कुछ भी काम करने के लिए पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी या टोकन का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में उसका वैल्यू बढ़ेगा। ये बात से मैं एग्री होता हूँ, लेकिन एसटीए टोकन का कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल, जरा ये भी बताइए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फेसबुक का ले लेते हैं। सपोज फेसबुक है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और एकाएक पता चले कि फेसबुक पे जो एड है, एड दिखता है जो, तो जो लोग जो है मतलब एडवर्टाइजर होते हैं एड चलाने के लिए, वो जो है लोकल करेंसी, इंडियन करेंसी के बदला जो कोई पार्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी वो जो है इस्तेमाल कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में उस क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक का यूजर ज्यादा है, और जो लोगों के पास वो करेंसी होगा उस करेंसी का इस्तेमाल करके वहां पे अपना प्रचार चला सकते हैं, जो भी काम है, जो भी सर्विस प्रोवाइड फेसबुक कर रही है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसका ट्रेड होगा, और वो अगर काम करते हैं तो आपके लिए भी इस्तेमाल करने के लिए फायदेमंद रहेगा और आप उसका ले सकते हैं। लेकिन फेसबुक जो है वो अपना जो है एक ब्लॉकचेन बना करके उसके ऊपर जो अपना करेंसी क्यों नहीं निकाले, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टो क्यों नहीं बना लेगा, है ना? तो ऐसा ही होने वाला है। तो जरा मुझे अब ये बताइए, मैंने आपको बोला ना कि यहां पे मनी सर्कुलेशन की बात होगी, मनी सर्कुलेशन के बारे में आप बताइए, मनी सर्कुलेशन सही होगा या गलत होगा?
डिविडेंड की बात होती है, जब कोई कंपनी किसी चीज में प्रॉफिट कमाती है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट का जब कोई यूजर होता है और जब पे करता है, इसके बाद जाकर के जो शेयर होल्डर होता है उसमें डिविडेंड सर्कुलेट किया जाता है। क्या यहाँ पे एसटीए के बारे में जो भी चीज आप जानते हैं, जितनी जानकारी जानते हैं, उसका कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च है और जहां पे इस टोकन का इस्तेमाल करने पे वो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, है कोई ऐसा? होगा तो जरूर मुझे बताइएगा। अब एक चीज और, आपके जो समझाने वाले लोग होंगे कह रहे होंगे इतना कमाए यार, आपको दिखाए होंगे, ये सच भी है, बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं यार। जब भी बड़े लेवल पे स्कैम होता है ना, तो पहले दिन ऐसा नहीं है कि किसी का, अगर पहले दिन किसी को पता चल जाए कि सच में कमाई नहीं होगी, ठगा गया, इसके बाद वो चेन रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बड़ा लेवल पे स्कैम होता है तो पहले धीरे धीरे लोग आते हैं, उनको प्रूफ हो जाता है, विश्वास हो जाता है यार इसमें कमाई है, जुड़ रहे हैं, और बाद में जाके पता चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जानते हैं आने वाले समय में स्कैम या घोटाला या चीज बंद हो जाएगा, लेकिन तत्काल प्रॉफिट देख रहे हैं और जिस कारण से इसमें जुड़ रहे हैं। तो अब जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कमाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई आंसर है, जवाब है? मतलब कमाई हो रहा है, लीगल और इलीगल ये चीज़ नहीं देखेंगे यार, फ्यूचर में क्या होगा नहीं देखेंगे, नहीं बस आज के डेट में कमाई, मेरा कमाई हो जाना चाहिए। भले ही आपको देख करके ऐसे लोग जो गरीब हैं या कह सकते किसी तरह से पैसे को अरेंज करेंगे, उनको ये विश्वास हो जाता है कि यार ये बंदा है ना, ये बहुत समझदार है, इसमें ज्वाइन किया है ना तो जरूर फायदा होगा, मैं भी जुड़ जाता हूँ क्योंकि मुझे भी आगे कमाई करनी है, इस लालच में लोग जुड़ते चले जाते हैं। अब एक और चीज, जब पैसे आ रहा है, मुझे सिंपल सी बात है, पैसे आ रहा है, जरा ये बताइए कि अगर मैं एसटीए की बुराई करता हूँ, चलिए करता हूँ, अगर कहीं ना कहीं आपको ये फर्क पड़ता है कि लोग अगर नहीं जुड़ेंगे इसमें तो कमाई आने वाले समय में लोगों का रुक जाएगा, और जब ये चीज होगा ना तो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे जो लगाने वाले हैं वही रुक जाएंगे ना। जब वो रुक जाएंगे तो इससे पहले जो जुड़े हुए हैं उसको पैसा पहुंचेगा कैसे? और लोग कहते हैं इसमें मुझे जोड़ना नहीं है, यार नहीं जोड़ना है ना तो बस हो गया, किसी को मत कहिए कि एसटीए टोकन में ज्वाइन किए, मत कहिए, प्रचार करने की क्या जरूरत है, मत करिए। बिटकॉइन का कितने लोग प्रचार करते हैं सो बताइए ना मुझे, किसी कंपनी को पार्टिकुलर एक्सचेंज के अलावा, एक्सचेंज को प्रॉफिट होता था जितना, जो है मतलब कि बाय एंड सेल होता था उसमें कमीशन होता था, इसलिए एक्सचेंज वाले जो है टीवी पर बड़े बड़े प्रचार दिया करते थे कुछ समय पहले, एकदम जो है क्रिप्टो से रिलेटेड जो एक्सचेंज आया करता था, कहां गया सब, कहां गया सो बताइए मुझे। न्यूज सुने थे ना, बहुत सारे एक्सचेंज जो है एकदम शट डाउन हो गया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, किसी को गाली देने से पहले समझिए कि वो बोल रहा है बंदा तो सच या झूठ बोल रहा है, थोड़ा सा तहकीकात कर लीजिए ना, जो जो पॉइंट वीडियो में बताया गया उस पॉइंट को आप सर्च कर लीजिए, देखिए कि सच में अपने देश में ये चीज़ सही है या गलत है। रहना ओवरऑल आपको इंडिया में है, और इंडिया में रह करके इंडिया के लॉ के अगेंस्ट अगर कुछ काम होगा, कभी भी होगा, तो ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जब तक जो है इस पर कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं मच रहा है या लोगों को समझ नहीं आ रहा है तब तक चल रहा है तो चल रहा है, जो लोग कमा रहे हैं कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमाई हो रही है तो वो हर चीज सही होगा। कमेंट में जवाब जरूर दिएगा, जो लोग जुड़े हुए हैं सो सब, जो मैंने आपको सवाल किया है, जो मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में, जो मैं एनएफटी के बारे में बताया हूं, और साथ ही साथ एक चीज और मैं बता देता हूं, मैं बिटकॉइन और इसके बाद इथेरियम है ना उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन तैयार हो चुके हैं जो बिटकॉइन बेस इथेरियम बेस बनना शुरू हो चुका है। नो डाउट एज ए इंजीनियर मैं इस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भविष्य में जो है डिसेंट्रलाइज्ड बेस एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत है, और जो जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा, जो भी मत लीजिए टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूँ, या जो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लोग इसके बेस्ड पे एप्लीकेशन बनाएंगे, पब्लिक उसका इस्तेमाल जब करेगी और उस प्लेटफॉर्म पे जो है लोग जब आएंगे और वहां पे जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा उसका पॉपुलैरिटी बनेगा, उसका भविष्य रहेगा, और उसको अगर किसी एक्सचेंज पे जाके परचेज कर लेंगे तो मे बी आप लीगल तरीके से या सही तरीके से अपना जा रहे हैं। लेकिन बहुत पहले, बहुत मतलब कि 2-3 साल से ऊपर हो गया, मैं एक वीडियो बनाया था कि भविष्य में आने वाले समय में जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर सरकार लगाम क्यों लगाएगी, उसका रीजन एकदम समझ और लॉजिक के साथ में बताया था, और वही चीज धीरे धीरे हर एक देश में अब इंप्लीमेंट हो रहा है। जिस दिन सरकार को लग गया ना पैसे का कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया, जिस भी देश को चला गया, अरे आप 1-2 देश जो नाम भी इससे पहले नहीं सुने होंगे, सिर्फ यही न्यूज आकर के सुनेंगे, जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर दे दिया, उस पर आप उछल रहे हैं। यार ऐसा देश बताइए जिसका इकोनॉमी बहुत बड़ा है,
जिसका नाम बार बार आप सुनते हैं, जिसका लीडर बहुत फेमस है, और वो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित कर दे, ऐसा आप न्यूज सुने हैं तो जरा मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। चलो यार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिस दिन जिस देश के सरकार को लगेगा पैसे का पावर मतलब कि क्रिप्टो करेंसी पर चला गया है, मतलब कि पैसे का पावर हमारे हाथ से जाकर के डिसेंट्रलाइज हो गया है, उस दिन वो देश जो है ना कोलैप्स कर जाएगा, और यही सच्चाई है। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फो के साथ। अगले वीडियो